इस्टोनिया आए हुए मुझे 2 महीने हुए, मैं अक्टूबर में ही आया था यहाँ पर। 1-2 महीनों में इसकी जो टेम्परेचर है -20 -25 तक चली जाती है जिस गांव में मैं रहता हूँ। इस छोटे कंट्रीज़ में एक्चुअली ज़्यादा ट्रैवलर्स आते नहीं हैं। यहाँ पे जॉब का सीन क्या है, यहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा, बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। हेलो हेलो, ट्रैवल विद अभी के आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज मैं हूँ एक नई कंट्री में जिसका नाम है इस्टोनिया। जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स को देखे होंगे उन्हें पता है कि मैं इटली से इस्टोनिया शिफ्ट हो चुका हूँ। ये जो कंट्री है वो लातविया, फिनलैंड, रशिया इन सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है। बाल्टिक सी के पास पड़ती है इसलिए इसको बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है। बाल्टिक कंट्रीज़ के लिस्ट में आते हैं लिथुएनिया, लातविया और इस्टोनिया, ये 3 कंट्रीज़। पहले ये USSR में आते थे। लैंग्वेज की बात करें तो इस्टोनियन लोग इस्टोनियन बोलते हैं, रशियन बोलते हैं बिकॉज़ ये पहले रशिया में आता था और रशिया के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ के बारे में आपको एक छोटा सा मैं टूर दे देता हूँ। पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि इस्टोनिया में लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे जॉब का सीन क्या है, यहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा, बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। ये एक छोटा सा टाउन है, उसका नाम है साउए, बल्कि तल्लीन जो कि इस्टोनिया की राजधानी है वहाँ से बाई ट्रेन आपको 40 मिनट्स की जर्नी है और अगर आप कार से आते हैं तो 20 मिनट में आप हमारे घर तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए, यही हमारा नेबरहुड है जहाँ पे मैं रहता हूँ, आपको ये अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। लातविया, लिथुएनिया आप अगर जाओगे तो आपको पुराने टाइम के ऐसे अपार्टमेंट्स मिलेंगे जो पूरा रशियन टाइम में जो सोवियत अपार्टमेंट्स होते थे वैसे देखने को मिलते हैं। पहले तो घबरा गया कि मैं कहाँ आ गया भैया, कहाँ ये सोवियत टाइम में आ चुका हूँ, बट इनको रेनोवेट कर दिया गया है। यहाँ पर अभी आप आर्किटेक्चर इनका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप तल्लीन जाते हो जो कि इनकी कैपिटल सिटी है तो वहाँ पे आपको पूरा पुराने समय का आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। इस छोटे कंट्रीज़ में एक्चुअली ज़्यादा ट्रैवलर्स आते नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो सारे लोग इटली, फ्रांस, जर्मनी ये सारी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट इस्टोनिया, लातविया इन सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे आपको फैक्ट्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ये मेरा अपार्टमेंट है और मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो आपका यूथ सेंटर है। मेरे अपार्टमेंट के जस्ट ऑपोजिट वो बस स्टॉप है और रेलवे स्टेशन यहाँ से 7-8 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये सामने सुपरमार्केट है, सारा कुछ मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 50 से 100 मीटर के अंदर मैं सारे फैसिलिटीज़ को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इस्टोनिया आए हुए मुझे 2 महीने हुए, मैं अक्टूबर में ही आया था यहाँ पर और आज की जो तारीख है वो 25 दिसंबर, आज क्रिसमस है। तो क्रिसमस का एक नया व्लॉग बनने वाला है क्योंकि मुझे इनवाइट मिला है यहाँ के गाँव के जो कम्युनिटी मैनेजर हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, हम लोग दोनों साथ में काम करते हैं, उनके घर से मुझे इनवाइट आया है। आप आ जाइए हमारे घर, मेरे परिवार के साथ आप क्रिसमस मनाइए। मैंने ऑलरेडी उनके लिए गिफ्ट वगैरह ले रखा है, क्रिसमस का सारा कुछ पैक्ड है। मुझे कुछ मैसेज लिखना है उसके बाद मैं तैयार हूँ। मैं आपको अपने कम्युनिटी सेंटर लेकर के चलता हूँ सबवे का, आपको देखने को मिलेगा कितने सारे फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। आज तो बंद है क्रिसमस की वजह से लेकिन मेरे पास कार्ड है तो मैं एंटर कर सकता हूँ कभी भी। यही हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग है, यहाँ पे आपको खेलने के सारे सामान, यूथ सेंटर है, हमारे पास किचन वगैरह भी यहाँ सब कुछ है, सोफ़ा वगैरह। यहाँ पे आपका पूल, टेबल टेनिस, जिम के सामान और भी कोवर्किंग स्पेस जैसा है। ये हमारा ऑफिस है, ऊपर भी ऑफिस है, बहुत सारे रूम हैं, एक बड़ा सा हॉल है, मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डीजे हैं, सब कुछ है। पॉडकास्ट के लिए हमारे पास स्टूडियो रूम भी है, डांस स्टूडियो है, म्यूजिक स्टूडियो है, सब कुछ है इसके अंदर। ये देखिए आपका मेन हॉल है जहाँ पे हमारे फंक्शंस होते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट लिखा था मैंने तो वो अप्रूव्ड हुआ था तो हमें फंड्स मिले थे यूरोपियन कमीशन की तरफ से, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा इंडियन कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज़ किया था सारे गांव वालों लोग के लिए। उस समय एक्चुअली मैं प्रिपेयर्ड नहीं था व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए बिकॉज मैं सेट कर ही रहा था इस गाँव में, तो आई वॉज लाइक आराम से पहले सेटल हो जाते हैं उसके बाद व्लॉगिंग वगैरह करेंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अब मैं रेडी हो ही चुका हूँ, यहाँ से इस्टोनिया से आपको बैक टू बैक व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। यही देखिए कितना सुनहरा वेदर है, स्नोफॉल भी हुई है और आज सूरज भी उगा है। यहाँ पे सनलाइट उतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, विंटर के समय में आपको 4 से 5 घंटे मुश्किल से मुश्किल लाइट रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, वो भी सनलाइट नहीं, पूरे बादल किए हुए रहता है, कुहेसा रहता है, आपको कुछ नहीं दिखेगा। कभी कभार सूरज उगता है वरना ऐसे आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगा, 2-2.5 बजे के बाद से ही पूरा अंधेरा हो जाता है। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ
मेरी फ्रेंड आती है थोड़ी देर में, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्रिसमस कैसे मनाते हैं और ये पूरे फैमिली का जो ट्रेडिशन है वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। लास्ट ईयर क्रिसमस में मैं इटली में था, तो इटली में भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अपने घर पर इन्वाइट किया था। काफ़ी अच्छा माहौल था। जो इटालियन नॉन्ना होती है, जिनको हम दादी कहते हैं इंडिया में, उनके हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे खाने का मौका मिला इटली में। किस्मत कहाँ से कहाँ लोगों को लेकर के चली जाती है। पिछले साल इटली, इस साल इस्टोनिया में क्रिसमस मनाया मैं। यही है मेरा अपार्टमेंट। सेकंड व्लॉग में अपने अपार्टमेंट से व्यू दिखाऊंगा कैसा व्यू होता है जब मैं क्रिसमस के लिए पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ। मैं सारे चीज़ों को एक व्लॉग में नहीं डालना चाहता। सिटी काउंसिल की स्पेशल अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है वो लोग रहते हैं, इसलिए आपको ये फ्लैग, इस्टोनियन फ्लैग आपको देखने को मिल जाएगा सामने। और जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो ये पूरा सा वाइड एंगल मुझे देखने को मिलता है व्यू। काफ़ी बेहतर, काफ़ी सुंदर, स्नोफॉल के साथ तो और ही एक अलग ही खूबसूरती होती है इस कंट्री की। इस्टोनिया का वेदर जो है वो नॉर्डिक कंट्री जैसा है, जो आपको वेदर फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह में मिलेगा, सेम वेदर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अभी टेम्परेचर यहाँ का -10 है। एक दो महीनों में इसकी जो टेम्परेचर है -20, -25 तक चली जाती है जिस गांव में मैं रहता हूँ। आप इटली में नवंबर दिसंबर के समय आपको स्नोफॉल जनरली नॉर्दर्न इटली के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जो आपका डोलोमाइट्स का रीज़न है। ऐसे इस्टोनियन लोगों का नेचर मैं बताता हूँ, ये उतने ज़्यादा घुले मिले लोग नहीं होते, अपने आप में ही होते हैं, काफ़ी क्लोज सोसाइटी है, बट दिल के अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल के बुरे होते हैं। बट उतना ज़्यादा ओपन सोसाइटी नहीं है कि आपको रोड पे मिल करके हाय हेलो ऐसे कहने को मिलेगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। मैं फर्स्ट टाइम, मैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से आता हूँ, स्पेन इटली की जब आप बात करोगे लोग काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं, रोड पे मिलेंगे हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सब बोलने का जो है सो वहाँ पे तरीका नॉर्मल आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आप रोड पर भी जाते हो तो आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलोगे तो आप एक्सपेक्ट ना करो कि आपको इक्वली वो रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं इसको बुरे तरीके से नहीं लेता, बिकॉज हर एक कंट्री का कल्चर अलग होता है, तो हम उनके कंट्री में जाएं तो ये बनता है कि हम उनके कल्चर को रेस्पेक्ट करें, ना कि ये कहें कि वो अलग लोग हैं, वो बुरे लोग हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इट्स ऑल ओके। लोगों का दिल सही होना चाहिए, चेहरे पे तो दिखाने को तो तुम कुछ भी दिखा सकते हो। इस पूरे विलेज में कोई भी इंडियन नहीं है, कोई भी एशिया से एक्चुअली नहीं है। मोरक्को से कुछ लोग बहुत साल पहले आए थे, वो लोग बसे हैं, बट वो भी काफ़ी छोटी कम्युनिटी है। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, बट आप नेक्स्ट व्लॉग में बने रहिएगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको क्रिसमस व्लॉग दिखाने वाला हूँ इस्टोनिया से, एक इस्टोनियन फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए। नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे आने वाले इस्टोनिया के नए व्लॉग से बने रहें। तब तक के लिए आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।